इस क्वेश्चन में जैसे HgCl सॉलिड ये डिसॉल्व होके देगा Ag प्लस Aq प्लस Cl माइनस Aq, तो माना ये जैसे x डैश डिसॉल्व हुआ मोल्स पर लीटर, तो ये भी x डैश है, और ऐसे कैसे HeBr सॉलिड गिव्स Hg प्लस एक्वस प्लस Br माइनस Aq। तो अब ये y डैश डिसॉल्व हुआ तो ये भी y डैश मोल्स पर लीटर हो गया, साइमल्टेनियसली इक्विबेटेड है, इनको एक जैसी ज्योमेट्री में अपन कर रहे हैं, तो इनका दोनों इक्विबियम में एक साथ हैं, तो ये डेटा सेम होना चाहिए, तो x डैश में प्लस y डैश कर दो, और y डैश में यहाँ पे हम प्लस x डैश कर देंगे। अब प्योर वाटर के कंपेरेटिवली तो यहाँ कॉमन आयन Hg प्लस है, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इसकी कम होने वाली है, यानी x डैश वाला जो वैल्यू है यहाँ पे वो x प्योर वाटर से कम होगा, और y डैश वाला क्योंकि इक्विलिब्रियम इधर जाएगा Hg प्लस दो से आ रहे हैं, y वाला जो है वो ज़्यादा रहेगा y डैश से। तो इन्होंने पूछा Hg प्लस इज लेस देन Br माइनस प्लस Cl माइनस, नहीं, Hg प्लस अल्टीमेटली तो Br माइनस और Cl माइनस से है, और प्योर वाटर वाला हमने x एंड y यहाँ पे जो है वो नहीं लिया है। फिर x प्योर वाटर वाला है और यहाँ पे जो Cl माइनस है उससे, और HgBr और HgCl में HgCl का Ksp ज़्यादा होता है, और सॉलिबिलिटी फॉर्म में यहाँ ये बात लिखी भी हुई है। तो ये फिर Br माइनस से ज़्यादा होगा, ये Br माइनस अभी है इस वक्त है जब दोनों साइमल्टेनियसली इक्विबेटेड है, ऐसे Br माइनस नहीं, प्योर वाटर वाला y ग्रेटर देन Br माइनस होगा, तो c गलत है। फिर d Hg प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू x प्लस y, वो प्योर वाटर वाला नहीं होगा, ये इस साइमल्टेनियसली इक्विबेटेड वाला x डैश प्लस y डैश होगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया, b इज द करेक्ट आंसर।